प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है, सपोज फैमिलीज ऑलवेज हैव वन टू और थ्री चिल्ड्रन विद प्रोबेबिलिटीज 1/4, 1/2 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली. अज्यूम एवरीवन इवेंचुअली गेट्स मैरिड एंड हैज चिल्ड्रन विद प्रोबेबिलिटी ऑफ देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कपल हैविंग एग्जैक्टली फोर ग्रांड ग्रांड चिल्ड्रन क्या होगी, वो अपन को पूछा है यहाँ पर. तो ये कपल ने मैरिड किया उससे, या तो वन चाइल्ड हो सकता है या टू चाइल्ड हो सकता है या थ्री चाइल्ड हो सकता है, इसके भी यहाँ पर चाइल्ड हो सकता है जो पॉसिबिलिटीज है. तो अब अपन को इवेंचुअली इधर यहाँ पर फोर ग्रैंड चिल्ड्रन बनाने, इस कपल के कितने ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, यानी क्या होना चाहिए, ये जो चाइल्ड प्रोड्यूस करे, वो जो चाइल्ड प्रोड्यूस करे वो फोर होने चाहिए इवेंचुअली. ये अपन को यहाँ पे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो बताना है. तो एग्जैक्टली वन चाइल्ड हो सकता है या टू चिल्ड्रन हो सकता है, थ्री चिल्ड्रन हो सकता है. वन के होने की प्रोबेबिलिटी फोर है, टू के होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, एंड थ्री के होने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/4 है. सो ये 1/4 है, ये 1/2 है, एंड ये 1/4 है. ये यहाँ पे तुम देख लो. अब कपल को इवेंचुअली फोर ग्रैंड चिल्ड्रन करना है, तो क्या हो सकता है कि एक यहाँ पर कपल ने एक चिल्ड्रन प्रोड्यूस किया सिर्फ, तो एक चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर 1/4. अब ये एक चाइल्ड मैक्सिमम क्या कर सकता है, थ्री चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उनको फोर ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए, तो ये वाला केस यहाँ पे होगा नहीं. तो इस वाले केस में ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे 1/4. तो कपल के वन चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसके यहाँ पर फोर चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो मैक्सिमम थ्री कर सकता है. तो ये यहाँ पे आ गया. सेकेंड केस में क्या होगा, वो दो चिल्ड्रन प्रोड्यूस करे कपल, तो कपल ने यहाँ पर दो चिल्ड्रन प्रोड्यूस किए, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है. अब वो दो चिल्ड्रन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चार चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने के लिए या तो दोनों दो दो चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर ले, या क्या हो सकता है कि एक ने एक चिल्ड्रन किया दूसरे ने थ्री कर लिए, या फिर एक ने थ्री कर लिया दूसरे ने वन कर लिया. तो यहाँ पर कपल ने दो चिल्ड्रन प्रोड्यूस किए, अब उनके जो चिल्ड्रन है वो भी आगे दो चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दो एक ने किए दो एक ने किए, तो विद प्रोबेबिलिटी हाफ एंड हाफ आ जाएगा. या वन एंड थ्री हो सकता है, तो वन और थ्री दोनों की करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है. इनकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो दो तरीके से हो सकता है, वन एंड थ्री एंड थ्री एंड वन, तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया इधर. सो इस तरीके से ये बी वाला पार्ट हो गया. सी वाले केस में क्या हो सकता है, कपल ने थ्री चिल्ड्रन प्रोड्यूस किया, अब उनके फोर ग्रैंड चिल्ड्रन प्रोड्यूस, अब वो फोर चिल्ड्रन प्रोड्यूस करेंगे तब जाके फोर ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाएंगे कपल की. तो क्या पॉसिबिलिटी है, वन वन एंड टू, और इनका ही परम्यूटेशन यहाँ पर हो जाएगा, वन टू वन एंड टू वन वन इस तरीके से. तो वन और थ्री, वन करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/4 है. सो यहाँ पे वन और थ्री की 1/4 थी ना, तो यहाँ पे वन एंड वन चाहिए, तो 1/4, 1/4 एंड टू की हाफ थी, और उसके यहाँ पर थ्री कॉम्बिनेशन, थ्री परम्यूटेशन हो सकता है, दिस दिस एंड एक ये. और कपल के थ्री चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, तो इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो. सो यहाँ से देखोगे तो ये 3/120 रह जाएगा. ये वाले केस में देखोगे तो यहाँ से ये वाली चीज तो जीरो है, हाफ को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 आ जाएगा, एंड हाफ को अंदर वाली चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो टू से टू कैंसिल होने के बाद ये 1/16 बन जाएगा, और एलसीएम लोग के सम करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास 27/128 तुम्हारा आंसर हो जाएगा. तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है. तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में.